समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपको जो धमकी आई है वो कहां से आई है और पहले भी धमकियां मिलती रही तो आप लोगों ने कहां शिकायत की, क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने इससे पहले के धमकियों पर, पहले के अधिकारियों पर हमें यहां तक बताया कि हमारा पीछा, हथियार के साथ पीछा करते हुए लोग पकड़े गए और छोड़ दिए गए, पकड़े गए और छोड़ दिए गए। कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। और इस बार चूंकि इंटरवेंशन से संज्ञान लिया गया है, केस दर्ज हुआ है, अब ये केस दर्ज होकर धूल फांकते ही है या कोई थियरी बता दी जाती है या गंभीरता से जांच होता है, सच तो आना चाहिए। ये जो FIR में जो नंबर से कॉल आ रहा था, ये कहाँ का था, क्या कह रहा था, तो ऐसी क्या बात कही उसने जिससे आप चिंतित हुए कि इस बार मामला गंभीर है? पाकिस्तान का था, बात करने वाला अपना नाम विजय बताया। उसकी बातचीत से लग रहा था कि हम कहीं उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग ही हैं, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, न मैं किसी को वहाँ जानता हूँ, पाकिस्तान से क्यों कुछ मुझे धमकी देगा, स्वाभाविक है ना। इसलिए ज़्यादा चिंतित हूँ कि आजकल आपको पता है नंबर कहीं का किसी के पास रहता है, कहीं के नंबर से, इंटरनेट नंबर से, कई बार तो मुझे नंबर ही नहीं आते, उसमें 2-3 डिजिट आते हैं, है ना। कई बार मुझे लोकेशन तक बता दी गई कि अब मैं कहाँ हूँ, तो मतलब वो somebody is monitoring me। तो लगातार ये जैसे कॉल हो रही थी, आपने तो पहले के कप्तान को भी आपने फोन किया, बताया, चीजें दी, फोन कराया, स्नैपशॉट इमीडिएटली लेके वो भेजा, लेटर भेजा, अविनाश पांडे था। अच्छा। अविनाश पांडे था, लेटर भेजा। वो पूरा टाइम उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने, सरकार को खुश करने और ये एहसास कराने में लगा था कि मैं भाजपा के अलावा किसी को कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ। एसपी का रवैया था। मैं आज पहली बार ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज से पहले नहीं बोला था, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये ऐसा पहले आपको सुरक्षा मिली थी, अब ये धमकी क्यों, कोई रंगदारी वसूली या कोई और? मैं, मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि कोई पैसा दे ही रहा हो उनको, आजकल तो सुपारी भी देते हैं ना लोग। मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं हूँ, दूर दूर तक ना कोई कनेक्शन है, नंबर पाकिस्तान का था। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, पुलिस को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लाइन पर काम करें, पाकिस्तान का नंबर बता के इसको कोल्ड स्टोरेज में न डाले, कि नंबर भले पाकिस्तान का था लेकिन बात करने वाला हमेशा जितनी बार भी फोन आया इंडिया नहीं रहा। आपको जान का खतरा? देखिए, जब हम पहले वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली थी तो मैंने मांगा तो नहीं था, हमको एक दिन IB का इंस्पेक्टर आए, बोले हमें कुछ इनपुट मिला है, हमने लिखा है सरकार को, फिर हमारे SP ने भी हमें बोला कि हमने सरकार को लिखा है, पहले X था फिर Y हुआ और फिर ये सरकार बदली और सिक्योरिटी विड्रा कर लिया गया। एक वजह यह हो सकता है कि मैं तमाम अपराधियों, चाहे जेल में बंद अपराधी रहे चाहे बाहर रहे हो, आप लोगों को सब पता है पब्लिक डोमेन में किस तरह मैं लड़ता रहा हूँ। मैं एक उस सोच के साथ आया था राजनीति में, जैसे नया नया अधिकारी आता है कि सफाई करूंगा, बाहर से शिकायत नहीं करूंगा, एक जरूर है कि अभी भी मैं किसी अपराधी का चलने नहीं देता हूँ, न मेरे आसपास कोई अपराधी कभी आपको दिखा होगा, न मेरे आसपास लाइसेंस वाले बंदूकधारी कभी दिखे होंगे, क्योंकि उस माहौल से मैं दूर रहता हूँ जहाँ मैं चल रहा हूँ, नेताजी चल रहे हैं, 4 लोग राइफल से उतर रहे हैं, गाड़ी में चढ़ रहे हैं, खड़े हो गए, उन सबसे मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा रहे हैं, मैं उसी संस्कार के साथ जीना चाहता हूँ। मैंने श्रद्धेय नेताजी से सीखा है कि सरलता और शालीनता कितनी होती है, और वर्तमान में जो मेरे नेता हैं आप देखते ही हैं कितने सहज हैं। अभी उम्मीद है कि, क्योंकि FIR लिखाने में आपको इतने पापड़ बेलने पड़े, अभी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी गंभीरता? उम्मीद तो करूंगा, और नहीं करूंगा तो आज इसलिए भी पब्लिक डोमेन में आया कि कल को कुछ मेरे साथ हो जाए तो आपके रिकॉर्डों में रहे, कोई आदमी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, शिकायतें करता रहा, एक दिन हादसा हो गया। ये समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हैं, जिनको पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने पुलिस से की है और अब उनको उम्मीद सुरक्षा की है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।